तहसील बोल के केसीआर साहब खाली बात बोल रहे हैं, काम करके बताए। अब पूरे तरह से तेलंगाना में आमद है और अपने बीच में एक अच्छा माहौल बन के है और हिंदुओं का भी जो मुसलमान का भी हो रहे तो तरक्की के लिए सरकार बहुत सा काम कर रहे अब सबको मालूम। और ये अयोध्या में भी मैं गए सब साढ़े चार साल कविता दीदी के सपोर्ट से उनके सपोर्ट से मैं बहुत कुछ काम कर सका हूँ और बहुत बार आपके लिए आए जो अच्छे अच्छे फंक्शन हो रहे तो नहीं तो ये कभी रमजान बकरीद हरेक इस पर मुझे आप लोग दावत दिए, मुझे इज्जत दिए और जिताए। आप सबको मैं और पर सर झुक के शुक्रिया अदा करता हूँ, सर झुक के शुक्रिया अदा करता हूँ। इतना बड़े मेजॉरिटी से मुझे जिताए अब तक किसको भी नया है। फिर अब मोहतरमा कविता जी एमपी इलेक्शन पे खड़े हो रहे हैं, आप सबको मालूम ये उनका इलेक्शन है। कविता जी दिल्ली में कैसा बात करे, गलियों में कैसा फिर फिर के काम करे, आप सबको मालूम है। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कविता जी को मुझे दिए भी और 30% ज्यादा डबल वोट देंगे उसको कम से कम अपने जयंत्या से ये क्लाक मेजोरिटी दे के जिताना। यहाँ जयंत्या के मुसलमान बुजुर्गों से और नौजवान से मैं गुजारिश करता हूँ और ये इस आज इस जलसे में मैं कभी भी नहीं देखा हूँ जयंत्या में इतने लोग इतने लोग जिम्मेदार लोग बहुत था। आप लोगों को बहुत इज्जत है रेस्पेक्ट है वैसा लोग यहाँ शामिल है। मैं सबको और एक बार सलाम करता हूँ यहाँ से हमारे दावत पे आए टीआरएस पार्टी से बुलाए तो आप सबको सलाम करते हुए वक्त कम है अपना पार्लियामेंट मेंबर अपन सबका सारे बहन आगे बेटा कविता जी को बात करो बल्कि जय जगत्याल के आज हमारे सभी जमातों के बुजुर्ग यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे टीआरएस पार्टी के लीडर्स भी हैं, यहाँ के एमएलए साहब संजय अन्ना है और जनाब अमीनुद्दीन साहब एमआईएम पार्टी के सदर हैं, जनाब मोहम्मद शरफुद्दीन साहब तबलीगी जमात के सदर हैं, जनाब मोहम्मद शोहबुल हक तालिब साहब जमात इस्लामी के सदर साहब हैं, जनाब मोहम्मद अब्दुल रशीद साहब जमात अहले हदीस के सदर साहब हैं, जनाब मुफ्ती सिद्दीक साहब अंजुमन उलमा हफ्फाज के सदर साहब हैं, जनाब फुरखानुद्दीन साहब जनरल सेक्रेटरी अंजुमन हफ्फाज के हैं, जनाब मुफ्ती खलील साहब निगरान तहफूजी खात्मे नबुवात के हैं, जनाब अब्दुल रहीम साहब हैं प्रेसिडेंट अहले सुन्नतुल जमा के, जनाब उमर अली बेग साहब हैं वाइस प्रेसिडेंट जमात उलमा, जनाब हुफाज इकराम साहब इमाम और मौजन हजरत यहाँ पे जो मौजूद हैं और हमारे सारे मंडल से आए हुए टीआरएस पार्टी के लीडर भी हैं और जमील अहमद साहब है ईदगाह कमेटी के प्रेसिडेंट, रहीम साहब है प्रेसिडेंट अहले सुन्नत के, वाजिद भाई है हमारे अहले हदीस निज़ामाबाद से, हाफिज लाइक खान साहब हैं जमात उलमा निज़ामाबाद से, हमारे रियाज मामू रियाज खान साहब वारी साहब हमारे मुज्जू साहब और मौसीफ भाई सभी यहाँ पे मौजूद हैं। सबको मैं वापस एक बार सलाम करती हूँ और आज एमपी के इलेक्शन के टाइम है, इस मौके पे आपसे मिलके मेरा अपील आपसे करने के लिए मैं यहाँ पे जगत्याल में आई हूँ। आप सबका तो पहले शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, इतना टाइम आपने निकाला और सभी एक साथ आके पूरी कुल जमात की महफिल है, सभी आप एक साथ आके हमारे तायद करने के हक में आ जा पाए हैं और अपना अपील सुनाने का मौका भी मुझे आपने दिया है। आपसे रिक्वेस्ट मैं इतना ही करना चाहती हूँ कि पिछले 5 सालों में जिस तरीके से टीआरएस का दौर गुजरा आपने देखा है और अगर कंपेयर करके देखेंगे तो काफ़ी ऐसे स्कीमात हैं, काफ़ी ऐसे प्रोग्राम्स हैं। सबसे ज़्यादा जिस हमदर्दी के साथ टीआरएस की हुकूमत मुसलमानों के साथ पेश आती है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ उसको आप याद करें क्योंकि बाकी स्कीमात तो चलते रहेंगे, बाकी प्रोग्राम्स तो चलते रहेंगे, सरकारें आएंगे जाएंगे, हुकूमतें आएंगे जाएंगे,
हर एक तरीके के स्कीम बनता रहेगा, बिगड़ता रहेगा, लेकिन जो नीयत है, लेकिन जो इंटेंट है तेलंगाना हुकूमत की केस साहब की, उसे मैं आपको रिक्वेस्ट है कि जिस तरीके के केसीआर साहब के इरादे हैं उस पर आप गौर करें, क्योंकि आज ये मरकज़ के इलेक्शंस हैं, यहाँ पर दोनों नेशनल पार्टी बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलके टीआरएस पार्टी से मुसलमानों की तेलंगाना के दूर करने का एक साजिश में है। देखिए, कांग्रेस पार्टी जब भी आते हैं यहाँ पर वो बोलते हैं कि टीआरएस पार्टी जीतेगी तो वापस बीजेपी के साथ जाएगी, ये हमेशा वो बोलते रहते हैं। और जब बीजेपी के लोग यहाँ पे आते हैं वो हमें बुलाते हैं कि आप कांग्रेस के बी टीम हैं। और आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, आप एक बार गौर कीजिए हमारे निज़ामाबाद पार्लियामेंट हलके का क्या सिचुएशन। मधुगौड़ यशकी साहब यहाँ से कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, लेकिन क्या आज तक वो कहीं पर निकले कैंपेन? आज तक कहीं आपको एक कांग्रेस की गाड़ी दिख रही है कैंपेन करते हुए? बिल्कुल उन्होंने मैदान छोड़ के फरार हो गए। और फरार इतना नहीं हुए, वो कैंडिडेट्स को भी उनके पूरे के पूरे उनके कैडर को उन्होंने कहा है कि आप बीजेपी को सपोर्ट करो। यानी एक टीआरएस पार्टी को, एक रीजनल पार्टी को हराने के लिए दोनों आज नेशनल पार्टी से एकजुट हो गए। लेकिन ये हालात क्यों है, हमें इस पर गौर करना है। हालात ऐसे हैं आज पूरे मुल्क में, मोदी जी का ग्राफ तो दिन ब दिन घटते आ रहा है, मोदी जी का ग्राफ ऊपर बढ़ने का कोई चांस ही नहीं है, उनका दिन ब दिन घटते आ रहा है। और कांग्रेस पार्टी जीरो पे आना भी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी का हालत यह है साहब कि वो देश को कोई एक विजन नहीं दिखा पा रहे, कोई एक फ्यूचर नहीं दिखा पा रहे। राहुल गांधी जी बोलते हैं तो हमेशा बीजेपी के फेल्यूर्स पे बोलते हैं, लेकिन उनका खुद का पार्टी क्या करेगी, उनका खुद का पार्टी किस तरीके का हमारे देश के फ्यूचर के लिए सोच रखती है वो नहीं बता पा रहे। अगर वो जब तक नहीं बताएंगे तब तक कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा सीट कहाँ से मिलने वाले? तो पूरे मुल्क की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ तेलंगाना की बात नहीं कर रही। तो इन हालातों में आज पूरे हमारे मुल्क में रीजनल पार्टीज का बहुत बड़ा रोल होगा सेंट्रल गवर्नमेंट में। सेंट्रल गवर्नमेंट में एक बिल्कुल खिचड़ी की सरकार आने वाली है, और आने वाले टाइम में हमारी यही कोशिश है, केसीआर साहब की यही कोशिश है कि सारे रीजनल जमातों का एक फेडरल फ्रंट बनाया दी जाए, जिसमें कांग्रेस नहीं होगा, जिसमें बीजेपी नहीं होगा, सारे रीजनल पार्टीज को साथ मिला के एक फेडरल फ्रंट बना के उनको गवर्नमेंट में लाने का कोशिश हो रहा है। जब हम ये बात कहते हैं तो दोनों नेशनल पार्टीज बीजेपी और कांग्रेस दोनों भी भड़क जाते हैं, बोलते हैं कि आप लोग कैसे मिल पाओगे, प्लेटफॉर्म कैसे बनेगा। आज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आपने तो बहुत सारे गवर्नमेंट्स को आते जाते हुए भी देखा है, सारे बुजुर्ग लोग हैं यहाँ पे। आज के तारीख में ऐसा है 40% जो हमारी वोट्स है पूरे हिंदुस्तान में ये रीजनल पार्टी के हाथों में है। आप बंगाल से लेके केरला तक आप देख लीजिए, रीजनल पार्टीज के हाथों में इस देश के सियासत में 40% के वोट्स कंट्रोल में। अब 40% जिन कंट्रोल में है, अगर वो सारे एक साथ मिल जाएंगे तो हुकूमत बनानी कोई मुश्किल बात नहीं है। ये मैं यूं ही नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम जब बीजेपी सरकार बनी उनका वोट परसेंटेज था 34%, सिर्फ 34% इस देश के जनता ने उनको वोट दिया है, 100% ने नहीं दिया उनको वोट। तो आज रीजनल पार्टीज के पास जब 40% वोट है पूरे हिंदुस्तान के, क्यों ये संभावना नहीं है, क्यों ये पॉसिबिलिटी नहीं है, क्यों ये नहीं हो सकता कि फेडरल फ्रंट का गवर्नमेंट आए? हमें इस बात पे ज़रा गौर करना चाहिए। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट इतना ही है कि 70 साल का हमने देखा है कांग्रेस का किस तरीके से हुकूमत चला इस देश में, बीजेपी का किस तरीके से हुकूमत चला इस मुल्क में हमने देखा है। और मैं सिर्फ आपको हमारी स्टेट का मिसाल देना चाहती हूँ, हमारी रियासत का मिसाल देना चाहती हूँ। 70 साल की कांग्रेस और TDP की हुकूमत आंध्र प्रदेश में चली, आंध्र प्रदेश में 23 जिले थे, 23 डिस्ट्रिक्ट थे, और 23 डिस्ट्रिक्ट में 70 सालों में 12 माइनॉरिटी स्कूल खोले साहब, 23 डिस्ट्रिक्ट में मिला के 12 माइनॉरिटी स्कूल खोले। अब तेलंगाना अलहदा रियासत बन गया, सिर्फ हमारे 10 जिले का तेलंगाना था, खैर हमने उनको 31 अभी बनाया, लेकिन 3 सालों में हमने 206 स्कूलों का काट किया है, यहाँ कोई मामूली बात नहीं है। क्योंकि इसमें आज 50,000 हमारे बच्चे पढ़ते हैं, जिस तरीके से मुसलमान तेलंगाना के तालीम से दूर हो गए, एक दर्द के साथ, एक पैशन के साथ, एक गोल के साथ कि इनको तालीम से जोड़ना है, इसीलिए हमने ये काम किया। कोई ये इलेक्शन के वास्ते काम हुआ नहीं, क्योंकि पहले 3 साल आप जानते हैं इलेक्शन के लिए कुछ इलेक्शन था भी नहीं,
मैं आपसे यही गुजारिश करती हूँ कि आप ये नियत को पहचाने केसीआर साहब किस तरीके का उनका वर्क है वो देखिए। आज सिर्फ तेलंगाना में नहीं, आपके मैं अटेंशन ड्रॉ करना चाहती हूँ, पूरे मुल्क में हमारे 36 करोड़ मुसलमान हैं, पूरे मुल्क में हिंदुस्तान में 36 करोड़ हमारे मुसलमान भाई हैं। अब पूरे मुल्क के मरकज़ की सरकार बजट दिया उन्होंने 2018-19 का, उसमें हमें कितने पैसे मिले? 4,700 करोड़ उन्होंने दिए, 36 करोड़ मुसलमानों के लिए 4,700 करोड़ दिए। और यहाँ पे तेलंगाना में 70 लाख मुसलमान हैं सर, 70 लाख मुसलमानों के लिए यहाँ की सरकार 2,000 करोड़ उन्होंने दिया। यानी दूर दूर से भी आप देखेंगे, कंपेयर करेंगे तो कोई मैच नहीं। मैं आपको इतना ही कहना चाहती हूँ, अगर ऐसे शख्स अगर कल मरकज़ के हुक्मरानी में हमारे बात चला सकते हैं, कल मरकज़ के हुक्मरानी में मुसलमान दोस्त केसीआर साहब की बात वहाँ पे चलने वाली है, तो आप एक बार सोच के देखिए कि कितना फ़ायदा हमारे मुल्क के पूरे मुसलमानों को होगा। गलती से काम करने वाली सरकार अगर मरकज़ में बनेगी तो किस तरीके से हमारी हालत बदल सकते हैं आप ये देखिए। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आज यहाँ पे जो बैठे हैं वो अलग अलग एक एक इंसान नहीं है, आप सभी एक इंस्टीट्यूशन से, आप जाके 1,000 लोगों को समझाने वाले लोग आज सब यहीं पे यहाँ बैठे, सारे बुजुर्ग हैं, इमाम है, मौजन है, हर तरीके से जिम्मेदार लोग यहाँ पे बैठे हैं। मैं आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करती हूँ, ये जो नेशनल पार्टीज का बात है सब उसमें आप मत आइए, क्योंकि उनके बातों में हम 70 साल से है और कुछ फ़ायदा मिला नहीं। अब तो आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक चांस एक मौका टीआरएस पार्टी को दीजिए, नेशनल पार्टीज़ को हरा के जब हम आगे बढ़ेंगे तो ही हम आगे चल सकते हैं। और अभी अभी आपसे रिक्वेस्ट मुझे मिला है कि वुमेन को सुइंग मशीन्स देने का, आपने अभी अभी मुझे रिक्वेस्ट दिया है। मैं आपसे बताना चाहती हूँ साहब, केसीआर साहब ये मान के चलते हैं कि बेटियाँ तो अल्लाह के रहमत होते हैं, बेटियाँ भगवान के रहमत होते हैं, और इसीलिए आज हमारे सरकार बनने के बाद आज तक 6,000 सुइंग मशीन्स, 12,000 के 6,000 सुइंग मशीन्स हमने फ्री में बच्चों में बांटा है। कोई लोन नहीं, 1 रुपया भी उनको वापस देना नहीं, कोई कर्ज नहीं, सीधा सीधा बांटा है। और थोड़े ऐसे बच्चे हैं हमारे मुसलमान बच्चे हैं, नौजवान दोस्त हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, नहीं ज़्यादा पढ़ चुके हैं, डिग्री कम्प्लीट नहीं किए, ऐसे 3,000 बच्चों को लेके 8-8 लाख रुपयों की गाड़ी हमने उनको दिलाई सर। उसमें सीधा 5 लाख का कर्जा सिर्फ गवर्नमेंट भर रहा है, नो इंटरेस्ट नो नथिंग, 5 लाख हमारी गवर्नमेंट दे रही है। और उसमें बचा कितना? 3 लाख बचा, क्योंकि 3,000 गाड़ियों हमने एक साथ खरीदे, उसमें 50,000 कंपनी वाले ने माफ़ कर दिया, यानी 2.5 लाख का कर्जा एक एक नौजवान पे है। लेकिन उस गाड़ी देने से आज एक एक नौजवान 40 से 50 हज़ार रुपये एक महीने में कमा रहा है, तो 4,000 to 5,000 उसका EMI है, वो आराम से EMI भी भर रहे हैं और कमाई भी आज हो रही है। तो ये हालात, ये जो नौजवान बच्चे हैं जो बेरोज़गार हैं उन लोगों के लिए हमने ये स्कीम चलाई सर, और आगे भी चलाते रहें। और जो पढ़े लिखे नौजवान हैं जो PG करना चाहते हैं, डिग्री करना चाहते हैं, तो उनके लिए ओवरसीज स्कॉलरशिप आपको मालूम है 20 लाख रुपये का रकम हम दे रहे हैं। लेकिन ये 20 लाख रुपये का रकम जो है ये भी कर्जा नहीं है सर, ये कम्प्लीटली एक गिफ्ट है केसीआर साहब के तरफ से। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर केसीआर साहब ने मुझे पढ़ाया अमेरिका में तो मेरे से उन्होंने पैसे कभी वापस नहीं मांगे, केटीआर साहब को पढ़ाया तो केटीआर साहब से भी कभी उन्होंने पैसे वापस नहीं मांगे। इसी तरीके से हमारे मुसलमान नौजवान बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं विलायत में, केसीआर साहब ने यही कहा कि मैं उन बच्चों से पैसे वापस कैसे लूँगा। तो ऐसा सोच ने वाले शख्सियत है सर केसीआर साहब। और आज केसीआर साहब दिल के गहराइयों में से ये हमेशा बताते रहते हैं हमें कि अगर मैं उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल कभी जाता था पहले, तो वो नीचे माला से लेके ऊपर के माला तक एटलीस्ट एक 40% लोग आदब करते थे अदब से, वो हालात आज नहीं है। सरकारी नौकरियों में मुसलमान नहीं है, IAS नहीं है, IPS नहीं है, तो उन्होंने एक और स्कीम कायम किया, अगर कोई बच्चे इंटरेस्टेड है IAS IPS बनने में तो हर साल 100 बच्चों का सिलेक्शन होता है, एक हल्का फुल्का एग्ज़ाम ऐसा वो रख के 100 बच्चों को सेलेक्ट कर रहे हैं। और उन बच्चों को हम बोल रहे हैं आप अपने मर्जी का इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट कर लो, 1.5 लाख रुपया हम गवर्नमेंट से देंगे, और वो भी कर्जा नहीं है सब, वो भी गिफ्ट ही है। तो हम कल के फ्यूचर मुसलमान बच्चों को
IAS बनते हुए देखना चाहते हैं, IPS में आते हुए देखना चाहते हैं, विलायत में पढ़ते हुए देखना चाहते हैं। एक जज्बाती रिश्ता है सब हमारा, इलेक्शन का रिश्ता नहीं है। तो मैं आपसे अदबन गुजारिश करना चाहती हूँ, इतने काम इतने कारनामे करने वाले हमारे CM साहब, आपको छोड़ के, आपसे ये रिश्ता तोड़ के BJP के साथ कैसे जाएंगे सर? अगर बोल रहे कोई कांग्रेस वाले, अगर बोल रहे कोई कांग्रेस वाले, यकीन मत कीजिए, ये सिर्फ वोटों के लिए इलेक्शन के लिए बोल रहे हैं। अगर चलिए सब कांग्रेस वालों की बात सच है, हम BJP के साथ जाएंगे भी, तो कहाँ जाएंगे सब? वापस इनके इलेक्शन पे आपके पास ही आना है? कहाँ जाते सब हम ये स्टेट में रहने वाले नहीं है, ये स्टेट के ही है, कहाँ जाएँ? तो आप ये बात को समझिए सब, क्योंकि एक एक लहर ऐसा उठा रहे कि ये BJP के साथ जाएंगे। जाएंगे कहाँ सब? वापस आएंगे तो तेलंगाना में आएंगे ना, आपको ही फेस करना है। तो आप ये बात सोचिए, प्रैक्टिकली सोच। मेरा इतना ही आपसे रिक्वेस्ट है, जो आपने TRS की हुकूमत इस रियासत में बनाने के लिए जिस तरीके से आपने कार के निशान पे ओढ़ दिया संजय अन्ना को, तो तारीखी एक आपने जीत इस जगत्याल में हासिल करवाया, तो वही फैसला एक और बार दोहराइए इस पार्लियामेंट के हलके में। मैं खुद यहाँ से कायद हूँ, तो मैं ये करना चाहती हूँ कि वोट हमारे बटने मत दीजिए सर। जो लोग हैं उनको समझाइए, जरा नौजवान बच्चे होंगे उनको समझाइए, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम ये है सर कि 70 साल से हाथ को वोट डालते 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 आ रहे, हम एक आदत है हमें, तो ज़रा हाथ के आदत को तोड़ना पड़ेगा सर। हाथ को इतने बार हम वोट दिए और उन्होंने हाथ ही दिए हमें और कुछ नहीं दिए, तो मेरा रिक्वेस्ट इतना ही है, ज़रा वोट तुमने मत दीजिए सर हमारे, क्योंकि आगे वाली शख्सियत जो है वो मैदान छोड़ के बिल्कुल फरार है। उनका साजिश यही है कि जितना हो सके माइनॉरिटी का वोट को तोड़ना है। और जो भी आज आप देख रहे हैं, कंफ्यूजन का है पूरा माहौल, 185 ने नॉमिनेशन डाला है, इसके वजह से एक EVM के बदले 12 EVM ऐसा, तो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन ये है। लेकिन अल्लाह अपने साथ है और TRS पार्टी एक रजिस्टर्ड पार्टी है, तो पहले ही EVM में दूसरे नंबर पे हमारा कार का निशान है साहब। EVM में दूसरा नंबर है लेकिन रिजल्ट में अव्वल नंबर होना चाहिए। तो इस तरीके से कोशिश आप ज़रूर करिएगा, और आप जब तक मेरे साथ खड़े हैं, आप जब तक TRS के पार्टी के साथ हैं, आप जब तक KCR साहब के साथ हैं, ये नामुमकिन है कि कहीं पे TRS पार्टी की हार होगी इस पूरी तेलंगाना में। यही एक विश्वास के साथ, यही एक यकीन के साथ मैं आप सबसे वापस एक बार गुजारिश करती हूँ कि वोट बटने मत दीजिए। इस हलके का हालात अलग है, कांग्रेस का कैंडिडेट बिल्कुल फरार है मैदान से, तो हालात को समझिए साहब और इस उसके तरीके से वोट दीजिए। और आपने जो मौका दिया और इतने सभी बड़े बुजुर्ग लोग आए दुआ देने के लिए, अब सबका मैं दिल की गहराइयों से वापस एक बार शुक्रिया अदा करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।